करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार तीसरी बार देश के बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला रूस दौरा है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भारतीय प्रवासियों से भी वो बातचीत करते आपको नजर आएंगे। पीएम रूस के बाद ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे को बेहद अहम बता रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और रूस के बीच विशेष और विशेष रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में मजबूत हुई है। वहीं देखिए ऑस्ट्रिया के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी है। तो देखिए मॉस्को में जहां ये अहम मुलाकात होने जा रही है वहां जी मीडिया की टीम भी मौजूद है। देखिए मॉस्को से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय रूस का दौरा आज से शुरू है। इस दौरे में प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां बड़ा एक तरफ से केंद्र बिंदु होगा बड़े मुद्दों को लेके, एनर्जी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड जैसे बड़े मुद्दों को लेकर। और इसके अलावा जो मसले हैं, जैसे भारतीय जो रूसी फौज में हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकालना, और इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट की बात कर लें जो भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पर अगर हम देख लें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बायलैटरल दौरा है उनके थर्ड टर्म में। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, इसलिए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, मॉस्को, रूस। तो देखिए इस मीटिंग के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते भी होने वाले हैं। क्या क्या ये समझौते रहेंगे इस पर ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। MiG-21 से सुखोई 30 MKI तक, MI-17 से S-400 तक, AK-203 से ब्रह्मोस तक, सस्ते तेल से अच्छी खाद तक। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत और रूस की दोस्ती वक्त के साथ सभी तकाजों पर खरी उतरी है। दोनों देशों ने दुनिया की दूसरी ताकतों को दरकिनार कर एक दूसरे का साथ दिया है। रूस से भारत का कारोबार भी जारी है और दुनिया को भारत ने खुलकर समझा दिया है कि रूस से मजबूत और टिकाऊ दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली है। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात में कई बड़े डिफेंस सौदों पर भी मुहर लग सकती है। रक्षा सौदों को लेकर भी बातचीत संभव है, खासकर S-400 वायु रक्षा मिसाइलों की सप्लाई को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। भारत और रूस में अक्टूबर 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील हुई थी। $5 अरब की इस डील में भारत ने 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया था। इनमें से 3 अमेरिकी दबाव और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद डिलीवर किया जा चुका है। इसके अलावा इस दौरे पर भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट यानी कि SU-57 का भी करार हो सकता है। SU-57 रूसी वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्निक, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। भारत और रूस के व्यापारिक संबंध भी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड हैज सीन अ शार्प इंक्रीज इन 2023-24। इट हैज सिंस टच्ड क्लोज टू $65 बिलियन प्राइमरली ड्यू टू स्ट्रांग एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to $60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of
प्रायोरिटी इन आवर डिस्कशंस विद द रशियन साइड। साथ ही भारतीय नागरिकों की रिहाई को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिन्हें रूस की सेना में भर्ती कराया गया था। इशू ऑफ अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल्स हु हैव बीन मिसलेड इनटू द सर्विस ऑफ द रशियन आर्मी इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू फिगर इन द डिस्कशंस। दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को भी संबोधित करेंगे। मॉस्को बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।